Swayam Prabha, Digital India, Educated India. नमस्कार आप सभी को बीमा विधि के व्याख्यान श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है आज हम सातवां व्याख्यान भारतीय बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण के ऊपर में बातचीत करेंगे जिसे हम आई के नाम से भी जानते हैं यानी कि इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया इससे पहले पिछले छ लेक्चर्स में अगर हम पहले व्याख्यान की बात करें तो हमने बीमा के अर्थ बीमा की प्रकृति बीमा के कार्यों के बारे में विस्तार से चर्चा की दूसरे व्याख्यान में हमने बीमा के ऐतिहासिक विकास के बारे में बात की कि किस प्रकार बीमा दुनिया में अवतरित हुआ क्या क्या कारण थे और किस तरीके से उसकी संरचना हुई किस प्रकार उसने प्रगति की इसी प्रकार फिर हमने भारत देश में बीमा किस प्रकार से आया कैसे फलीभूत हुआ किन प्रिंसिपल से वो गवर्न रहता है कौन कौन सी अथॉरिटीज हैं कौन कौन से सरकार के महत्वपूर्ण फैसले रहे जिनसे बीमा ने अपना पांव पसारा तीसरे व्याख्यान में हमने जीवन बीमा की अवधारणा के बारे में बात की फॉर्मेशन ऑफ लाइफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट लाइफ इंश्योरेंस कितने प्रकार के होते हैं किन प्रिंसिपल से किन सिद्धांतों से वे गवर्न रहते हैं कैसे एक लाइफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट फॉर्मेशन किया जाता है कौन से वो तत्व हैं जिनके जो बहुत ही महत्वपूर्ण है किसी भी जीवन बीमा अनुबंध को बनाने में उससे अगले व्याख्यान में यानी व्याख्यान नंबर चौथे में हमने बीमा की सिद्धांत इन सिद्धांतों के बारे में हमने बात की बहुत सारे सिद्धांत हैं जिनसे एक बीमा का अनुबंध बनता है क्या हम कह सकते हैं कि बीमा का अनुबंध बहुत सारे ऐसे सिद्धांत हैं जिनके ऊपर टिका हुआ है जैसे कि मुख्य तौर पर हमने जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस को डिस्कस किया सामान्य जो हमारे सिद्धांत हैं उनको डिस्कस किया और स्पेसिफिक और कॉन्ट्रेक्चुअल प्रिंसिपल्स को हमने मुख्य रूप से डिस्कस किया कि वो कौन से सिद्धांतिक आपके या सिद्धांत हैं जिन्हें पालन करने के बाद में जीवन बीमा का एक अनुबंध तैयार किया जाता है पांचवे व्याख्यान में हमने इंश्योरेबल रिस्क बीमित योग्य रिस्क खतरे उन सब चीज़ों को हमने डिस्कस किया जो भी रिस्क हमारी लाइफ में हैं उनको कौन से वे रिस्क हैं जिन्हें बीमा योग्य माना जाता है और कौन से गैर बीमा योग्य रिस्क होते हैं उन सब के बारे में हमने विस्तार से चर्चा की अपने पांचवें व्याख्यान में छठे व्याख्यान में हमने प्रीमियम के कॉन्सेप्ट के बारे में जाना कि प्रीमियम क्या होता है किन तत्वों के ऊपर आधारित होता है प्रीमियम का क्या कार्य है कितने प्रकार के प्रीमियम भुगतान के मेथड्स हैं किन तरीक़ों से भुगतान किया जा सकता है और ग्रेस पीरियड क्या होता है ग्रेस पीरियड किस तरीके से कैलकुलेट होता है और कौन से फैक्टर्स हैं जिनके बेसिस पर प्रीमियम डिसाइड किया जाता है या प्रीम या ग्रेस पीरियड की जो अवधि है वो निर्धारित की जाती है आज अपने सातवें लेक्चर में हम आई इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया या यूँ कहें भारतीय बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे मैं दिल्ली विश्वविद्यालय से विधि विभाग से डॉक्टर नरेश महिपाल आपको इस चीज़ के बारे में विस्तृत या विस्तार से चर्चा करूँगा आज के टॉपिक में हमारे कुछ महत्वपूर्ण विषय हमने जो शामिल किए हैं वो हैं भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण का परिचय दरअसल ये अथॉरिटी है क्या आई आर डी आई जिसे हम संक्षिप्त में कहते हैं ये अथॉरिटी क्या है इसके बाद आई की मुख्य विशेषताएं क्या सेलेंट फीचर्स हैं क्या ये कामकाज करती है इसके बाद हम आर डी आई आई के फंक्शंस के बारे में बात करेंगे कि किस तरह से ये कार्य करता है इसके उपरांत हम आई की पावर्स की शक्तियों की चर्चा करेंगे इसके उपरांत हम केंद्र सरकार की शक्तियों के बारे में बात करेंगे आई से संबंधित इसके बाद हम इंश्योरेंस ओम्बर्मैन बीमा लोकपाल के बारे में भी चर्चा करेंगे तो ये कुछ मुख्य विषय हैं जो आज के लेक्चर में हमारे इसमें रहने वाले हैं तो सबसे पहले हम भारतीय बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण का परिचय देते हैं उन्नीस से पचास की अवधि के दौरान भारतीय कंपनियों ने विदेशी कंपनियों की प्रतिस्पर्धा से मुक्त होकर लगातार विकास किया बीमा अधिनियम 1938 बीमा कंपनियों पर मजबूत और शक्तिशाली पर्यवेक्षण और नियंत्रण यानी सुपरविज़न एंड कंट्रोल प्रदान करता है जिसमें कुछ शक्तियाँ जैसे निर्देश देना सलाह देना निषेध करना जांच करना निरीक्षण करना तलाशी लेना जब्ती करना मुकदमा चलाना या जुर्माना लगाना आदि शामिल हैं तो इंश्योरेंस एक्ट उन्नीस बहुत एक स्ट्रॉन्ग एक्ट है हमारे इंश्योरेंस से रिलेटेड और उसमें बहुत सारी शक्तियां बहुत सारी क्रिया प्रणाली सरकार को और उसके द्वारा गठित प्राधिकरण उनको दी गई हैं उन्नीस से बीमा क्षेत्र ने समाजवादी पद्धति के उद्देश्यों को सच्ची भावना से प्राप्त किया दैट इज कॉन्सेप्ट ऑफ सोशलिज्म केंद्र सरकार ने भारत में जीवन बीमा व्यवसाय का प्रबंधन और नियंत्रण अपने हाथ में ले लिया और इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया जीवन बीमा निगम संसद के एक अधिनियम अर्थात भारतीय जीवन बीमा निगम अधिनियम 1956 द्वारा अस्तित्व में आया यानी कि एल लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन एक्ट ऑफ इंडिया बाद में वर्ष उन्नीस में सामान्य बीमा व्यवसाय अधिनियम के साथ भारत में सामान्य बीमा व्यवसाय का भी राष्ट्रीयकरण कर दिया गया इन दो अधिनियमों के पारित होने के बाद समय के साथ बीमा के नियंत्रक की भूमिका कम हो गई यानी कि जिस समय इंश्योरेंस एक्ट उन्नीस ने कंट्रोलर की स्थापना की थी जो ये सारे कार्य करता था बाद में उन्नीस में सरकार ने जीवन बीमा था उसको एल आई सी कॉरपोरेशन एक्ट बना के और नेशनलाइज कर दिया उन्नीस में जितनी भी गैर जीवन बीमा कंपनियां यानी जनरल इंश्योरेंस के सेक्टर में जितनी भी कंपनी थी उनका भी नेशनलाइजेशन कर दिया गया बीमा उद्योग की संरचना की जांच करने और इसे अधिक प्रतिस्पर्धी और कुशल बनाने के लिए बीमा क्षेत्र में सुधार के लिए सिफारिशें प्रस्तावित करने की दृष्टि से भारत सरकार द्वारा वर्ष उन्नीस में श्री आर एन मल्होत्रा भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया समिति ने उन्नीस में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की जिसमें अन्य बातों के अलावा सेबी एस आई -E की तर्ज पर एक स्वतंत्र बीमा नियामक प्राधिकरण की स्थापना की सिफारिश की गई कि एक स्वतंत्र इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी हो ऑन द सेम लाइंस ऑफ सेबी सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यू कैन से तो उस तरह की उन्होंने एक सिफारिश की कि बीमा के क्षेत्र में भी एक स्वतंत्र अलग से कोई ना कोई प्राधिकरण यानी कि कोई कॉरपोरेशन होना चाहिए जो उन सब इन सारी इंश्योरेंस गतिविधियों को संचालित कर सके भारत सरकार ने मल्होत्रा समिति की रिपोर्ट की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया और एक अंतरिम इंटरिम बीमा नियामक प्राधिकरण की स्थापना की थोड़े समय के बाद उच्चतम स्तर पर उचित नियंत्रण के लिए बीमा अधिनियम 1938, जीवन बीमा निगम अधिनियम 1956 और सामान्य बीमा व्यवसाय राष्ट्रीयकरण अधिनियम उन्नीस में संशोधन के साथ बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम को वर्ष 1999 में संसद द्वारा पारित किया गया शुरुआत में जब यह 1999 में पारित किया गया तो यह सिर्फ आई आर डी ए के नाम से जाना जाता था जिसे हम इरडा के नाम से भी जानते हैं सारा इंश्योरेंस का बिजनेस था एक स्वतंत्र नियामक बना दिया गया जिसके द्वारा वे संचालित हो सकते थे बाद में जब अमेंडमेंट किया गया 2015 में इसके अंदर में ऑफ इंडिया वर्ड यूज किया गया आखिरी के अंदर में तो यह आपका आई आर डी ए आई के नाम से जाना जाता है आई आर डी ए अधिनियम उन्नीस बीमा पॉलिसियों के धारकों के हितों की रक्षा करने बीमा उद्योग के विनिमय प्रचार और व्यवस्थित विकास को सुनिश्चित करने और उससे जुड़े या उससे प्रासंगिक मामलों के लिए एक प्राधिकरण की स्थापना का प्रावधान करता है अधिनियम में प्रावधान है कि प्राधिकरण एक कॉरपोरेट निकाय होगा जिसे बीमा नियामक विकास प्राधिकरण आई कहा जाएगा जिसे अब आई के रूप में जाना जाता है या 2015 में संशोधन हुआ था तो अब इसका नया नाम आप कह सकते हैं कि आई आर डी ए आई है अर्थात भारतीय बीमा नियामक विकास प्राधिकरण भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण या आई आर डी आई भारत में एक स्वायत्त निकाय है एक ऑटोनोमस बॉडी है जो भारत के बीमा उद्योग के प्रबंधन के लिए जिम्मेदार है और जीवन बीमा और सामान्य बीमा कंपनियाँ दोनों को कवर करता है बीमा क्षेत्र भारत के विशाल क्षेत्रों में से एक है और जो बीमा धारकों को विभिन्न अवसर प्रदान करता है इसलिए यह एक अलग निकाय द्वारा शासित होता है जिसे भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण या आई के नाम से जाना जाता है आई भारत में बीमा उद्योग के प्रमुख रूप में काम करता है और देश में विभिन्न बीमा कंपनियों के लिए सभी नियमों और दिशा निर्देशों को नियंत्रित करता है भारत में बीमा उद्योग पिछले कुछ वर्षों में बड़े पैमाने पर विकसित हुआ है क्योंकि अधिक से अधिक नई कंपनियां बाजार में प्रवेश कर रही हैं इससे उद्योग में सामान्य और जीवन बीमा दोनों क्षेत्रों में प्रतिस्पर्धा बढ़ गई है इन सभी कंपनियों को अपने अपने नियम और दिशा निर्देश उन्होंने बनाए हुए थे जो बाजार में भ्रम पैदा करते थे इसलिए सभी बीमा कंपनियों द्वारा पालन किए जाने वाले नियमों और दिशा निर्देशों को एक निर्धारित मॉडल लाने के लिए बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण या आई की स्थापना की गई थी भारतीय बीमा विनियामक विकास प्राधिकरण के बारे में कह सकते हैं कि यह परिवार के मुखिया के रूप में कार्य करता है जो परिवार के प्रत्येक सदस्य की संकट के समय में मदद करता है जरूरतों की रक्षा करता है और परिवार के बीच संतुलन बनाए रखता है और साथ ही साथ बीच में किसी मतभेद को भी हल करने में मदद करता है तो उम्मीद है कि जिस तरीके से हमने आई का परिचय दिया हमें इस चीज़ से समझ आ चुका होगा कि बीमा से संबंधित जितनी भी गतिविधियां हैं जितनी भी गतिविधियां अर्थात जितने भी दिशा निर्देश हैं या किसी भी तरह के को जो नियम हैं वह आई बनाता है जिस प्रकार हमारे बैंकिंग सेक्टर में सारे बैंक्स आर के द्वारा गवर्न रहते हैं इसी तरह से जितने भी जीवन बीमा कंपनियां या गैर जीवन बीमा कंपनियां या री इंश्योरेंस बीमा कंपनी जितनी भी प्राइवेट या सरकारी कंपनीज़ हैं वे सभी की सभी आई के द्वारा नियम और दिशा निर्देश और जो भी उन्होंने मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट बनाया है उनका पालन करने के लिए बाध्य हैं अब हम आई के उद्देश्य के बारे में बात करें इसका एम क्या है क्या इसका काम है किस लिए आई का गठन किया गया सबसे पहले पॉलिसी धारकों के लिए उचित व्यवहार सुनिश्चित करना और उनके हितों की रक्षा करना बीमा उद्योग के तीव्र और व्यवस्थित विस्तार वार्षिकी और सेवन रिति भुगतान सहित को बढ़ावा देना जिससे आम जनता को लाभ होगा साथ ही अर्थव्यवस्था के तिव्र विस्तार के तीव्र विस्तार लिए वित्त की आपूर्ति भी होगी जब ऐसे मानक प्राप्त हो पर्याप्त रूप से लागू न हो तो कार्रवाई करना तो यह कुछ प्रमुख आप कह सकते हैं कि आई का उद्देश्य है कि सबसे पहले जो बीमाकृत हैं जो इंश्योर लोग हैं उनके हितों की रक्षा करना दूसरा बीमा उद्योग को भी तीव्र और व्यवस्थित विस्तार दिलवाना ताकि देश की जो आर्थिक प्रगति है वह भी तेजी से विस्तार करे और अगर कोई नियमों को पालन नहीं करता है तो उसको दंड का प्रावधान करना इसके अलावा यह सुनिश्चित करना कि उद्योग विवेकपूर्ण विनियमन नियमों के अनुसार स्वनियमन के उचित स्तर के साथ संचालित हों जिन लोगों को यह नियंत्रित करता है उनकी योग्यता नैतिक चरित्र और वित्तीय स्थिरता के लिए उच्च मानकों को स्थापित करना प्रोत्साहित करना देखरेख करना और बनाए रखना इसके अलावा वैध दावों का त्वरित समाधान सुनिश्चित करना बीमा धोखाधड़ी और अन्य गलत कामों को रोकना और कुशल शिकायत निवारण तंत्र की स्थापना करना बीमा से संबंधित वित्तीय बाजारों में निष्पक्षता खुलेपन और वैधानिकता को प्रोत्साहित करना और बाजार सहभागियों की वित्तीय सुदृढ़ता के लिए सख्त आवश्यकताओं को लागू करने के लिए एक ठोस प्रबंधन सूचना प्रणाली बनाना तो हम कह सकते हैं कि यह आई ना सिर्फ बीमा कंपनियों का ध्यान रखता है उनके लिए दिशा निर्देश बनाता है उनके लिए गाइडलाइंस बनाता है उनकी भी मदद करता है उनकी बात को समझता है बल्कि यह इंश्योर्ड जो आम जनता एक बीमाकृत भी है उनके हितों की भी रक्षा करता है जहाँ पर जिसके लिए भी नियम जरूरी है वह उनके लिए बनाता है और जहाँ पर नियम की पालना करवानी होती है वहाँ पालना करवाता है और ना करवाने की दृष्टि में सख्त कार्रवाई भी की जाती है ऑब्जेक्टिव क्या है आई के इसके उद्देश्य क्या हैं अब हम इस बारे में बात करते हैं आई आई का मुख्य उद्देश्य बीमा अधिनियम के तहत सभी प्रावधानों को लागू करना है इसका मुख्य उद्देश्य इंश्योरेंस एक्ट 1938 के प्रावधानों को लागू करवाना है इसलिए आईआरडीए के मिशन वक्तव्य में शामिल है पॉलिसी धारक के हितों की रक्षा करना और उनके साथ उचित व्यवहार करना यह सुनिश्चित करने के लिए नियमित रूप से नीतियां और पॉलिसियां बनाना कि उद्योग बिना किसी अस्पष्टता के संचालित हो बिना किसी एंबिगुइटी के इंश्योरेंस सेक्टर आगे काम करे यानी कि कंपनियों से रिलेटेड और इंश्योर से रिलेटेड सभी पॉलिसीज क्लियर हों टर्म्स कंडीशंस बहुत क्लियर हों अगर कोई भी एक पॉलिसी मार्केट में आती है तो वह किस प्रकार आ सकती है क्या उसमें डायरेक्शंस होंगी क्या उसमें क्या जरूरी है क्या नहीं है किस तरह से क्या चीज़ें तय की जाएंगी किन प्रिंसिपल्स को फॉलो किया जाएगा ये सारे नियम कानूनों को ऊपर आई बहुत बारीकी से ध्यान रखता है बीमा उद्योग को निष्पक्षता से विनियमित करना और इसकी वित्तीय सुदृढ़ता सुनिश्चित करना यानी कि इंश्योरेंस सेक्टर को रेगुलेट करना बहुत ही निष्पक्षता से सभी के पक्षों को ध्यान में रखते हुए रेगुलेट करना और बीमा से संबंधित वित्तीय विचारों में निष्पक्षता व्यवस्थित आचरण और पारदर्शिता को बढ़ावा देना और बीमा क्षेत्र में वित्तीय सुदृढ़ता को लागू करने के लिए एक विश्वसनीय प्रबंधन सूचना प्रणाली का निर्माण करना इसके अलावा प्रभावी शिकायत निवारण ढांचे को सुनिश्चित करते हुए वास्तविक दावों का त्वरित निपटान सुनिश्चित करना बीमा धोखाधड़ी को रोकना और कदाचारों को रोकना यह सारे कुछ इसके उद्देश्यों में शामिल हैं इसके अलावा नई बीमा कंपनियों को पंजीकरण प्रमाण पत्र जारी करना पॉलिसी धारक के हितों का ध्यान रखना सुनिश्चित करने के लिए नियम और विनियमन निर्धारित करना निगरानी करना कि सभी दावों का निपटारा पूरी निष्पक्षता से किया जाए और कोई भी, भी बीमाकर्ता अपनी मर्जी से किसी भी दावे से इंकार नहीं करे बीमा कंपनियों बीमा मध्यस्थों और बीमा उद्योग से जुड़े अन्य लोगों की आचार संहिता को विनिमयत करना यानी कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू करना विवादों के मामले में आई लोकपाल के माध्यम से समाधान प्रदान करना यानी कि इंश्योरेंस ओम्ब्समैन के माध्यम से विवादों का निपटारा करना समाधान प्राप्त करना बीमा प्रीमियम में मूल्य मूल्यवृद्धि को रोकने के लिए बीमा की दरों को नियंत्रित और विनियमित करना यानी कि कंपनियों की, की मनमर्जी किसी भी पॉलिसी के प्राइस से नहीं होगी यह कंट्रोल और गाइडेड हो सकती है वायदा आई आर डी ए आई शीर्ष निकाय सामान्य और जीवन बीमा के लिए बीमा कंपनियों की न्यूनतम प्रतिशत सीमा निर्धारित करने के लिए जिम्मेदार है जिससे शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों का विकास होता है तो यह कुछ आई की मुख्य उद्देश्य है आई की मुख्य विशेषताओं की अगर हम बात करें सैलेंट फीचर्स की अगर हम बात करें ऑफ द आई तो अधिनियम की प्रस्तावना प्रियम्बल इसे इस प्रकार कहती है बीमा पॉलिसियों के धारकों के हितों की रक्षा करने बीमा उद्योग के व्यवस्थित विकास को विनियमित करने बढ़ावा देने और सुनिश्चित करने और उससे जुड़े या उससे प्रासंगिक मामलों के लिए एक प्राधिकरण की स्थापना के लिए एक अधिनियम प्रदान करना और बीमा अधिनियम 1938, जीवन बीमा निगम अधिनियम 1956 और सामान्य बीमा व्यवसाय राष्ट्रीय अधिनियम उन्नीस में और संशोधन करता है तो यह एक आई का प्रियम्बल है जो हमें अपने आप में शुरुआत में कहता है कि यह आई पॉलिसी धारकों के हितों की रक्षा करेगा और बीमा उद्योग को व्यवस्थित तरीके से चलाने में मदद करेगा प्रस्तावना की प्रियम्बल की जांच से स्पष्ट है कि अधिनियम निमंग के लिए एक प्राधिकरण की स्थापना का प्रावधान करता है पॉलिसी धारकों के हितों की रक्षा करना बीमा उद्योगों का विनियमन प्रचार और व्यवस्थित विकास करना उन मामलों पर विचार करना जो उपयुक्त प्रावधानों से जुड़े या प्रासंगिक हो सकते हैं और जीवन बीमा निगम अधिनियम और सामान्य बीमा व्यवसाय अधिनियम के कुछ प्रावधानों में संशोधन करना अधिनियम में यह प्रावधान है कि प्राधिकरण भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण नाम से एक कॉर्पोरेट निकाय होगा इसका शाश्वत उत्तराधिकार और एक सामान्य मोहर होगी अधिनियम के प्रावधानों के अधीन इसके पास संपत्ति के अधिग्रहण धारण और निपटान की शक्ति होगी इसकी संविधात्मक क्षमता होगी और उक्त नाम से मुकदमा दायर किया जा सकेगा या इस पर मुकदमा किया जा सकता है तो हमें इस प्रावधान को समझना होगा कि जब हम कहते हैं कि आई एक कॉरपोरेट निकाय होगा इसका मतलब ये है कि इट कैन मेक इट्स ओन रूल्स एंड रेगुलेशंस राइट और इसके बाद इसका एक शाश्वत उत्तराधिकार परपिचुअल सक्सेशन मीन्स कि उत्तराधिकारी आते जाते रहेंगे जो डायरेक्टर है उसके बाद दूसरा डायरेक्टर आएगा वही इसके ऊपर में अथॉरिटी रखेगा तो इसका एक परपिचुअल सक्सेशन होगा ये किसी का खुद का कोई अपना इसके अंदर में अपना कोई स्वामित्व नहीं होगा इसका एक परपिचुअल सक्सेशन रहेगा और एक सामान्य मोहर मीन्स कॉमन सील रहेगी कि जिसके पास भी अथॉरिटी है वही उसको काम करेगा उसके जाने के बाद दूसरा व्यक्ति आएगा वह उस मोहर का इस्तेमाल करेगा दैट इज कॉल्ड ए कॉमन सील इसके अलावा इसके बाद संपत्ति के अधिग्रहण यानी कि या यह अपनी चल और अचल संपत्ति मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी को एक्वायर कर सकता है यानी कि आईआरडी अपने नाम से ज़मीन खरीद सकता है या अपनी आईआरडी अपने नाम से प्रॉपर्टीज खरीद सकता है इसके अलावा इसको रखना और इसका निपटान करने की भी उसके पास में शक्ति होगी इसकी कॉन्ट्रेक्चुअल कैपेसिटी होगी संविधात्मक क्षमता होगी इसका मतलब कि आई अपने नाम से कॉन्ट्रैक्ट कर सकेगा वह किसी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकेगा और इसके नाम से मुकदमा टू स्यू एंड टू बी स्यूड मीन्स कि आई के नाम से मुकदमा चलाया भी जा सकता है और आई के ऊपर मुकदमा चलाया भी जा सकता है आई अपनी तरफ से मुकदमा कर भी सकता है और उसके ऊपर भी मुकदमा किया जा सकता है तो ये सारे प्रावधान जो है बताता है प्राधिकरण जो है वो एक बहुत ही व्यवस्थित तरीके से काम करता है बीमा सलाहकार समिति की स्थापना अधिनियम में बीमा क्षेत्र में उपभोक्ताओं मंचों सर्वेक्षकों एजेंट्स मध्यस्थों कर्मचारी संघ आदि के हितों का प्रतिनिधित्व करने के लिए एक समिति की स्थापना का प्रावधान है जिसे बीमा सलाहकार समिति के रूप में जाना जाता है जिसमें 25 से अधिक सदस्य एक्स ऑफिशियल को छोड़कर शामिल होंगे प्राधिकरण के अध्यक्ष और सदस्य बीमा सलाहकार समिति के पदेन अध्यक्ष और पदेन सदस्य होंगे तो ये जो IRD है आर एक बीमा सलाहकार समिति के गठन का भी सुझाव देता है जिसके अंदर में इंश्योरेंस एजेंट्स का प्रतिनिधित्व भी होगा सर्वेयर्स का प्रतिनिधित्व भी होगा मीडिएटरीज का भी प्रतिनिधित्व होगा और कंज्यूमर्स का यानी कि आम जनता का भी इसमें प्रतिनिधित्व का प्रावधान रखा गया है यदि बीमाकर्ता आई आर डी अधिनियम उन्नीस के तहत प्राधिकरण द्वारा जारी किए गए किसी भी निर्देश या आदेश का पालन करने में चूक करता है तो प्राधिकरण किसी बीमाकर्ता का पंजीकरण पूरी तरह से या आंशिक रूप से रद्द कर सकता है यानी बीमा व्यवसाय के कि किसी विशेष वर्ग से संबंध में यदि बीमाकर्ता कंपनी अधिनियम छप्पन एल अधिनियम उन्नीस सौ अधिनियम उन्नीस या फेमा उन्नीस सौ निन्यानवे की किसी भी आवश्यकता का अनुपालन करने में चूक करता है या उल्लंघन करता है तो आई अधिनियम ऐसा प्रोविजन करता है ऐसा प्रावधान देता है कि यदि किसी भी उसके द्वारा दिए गए निर्देश या आदेश का पालन नहीं करे तो किसी बीमा कंपनी का लाइसेंस रद्द या आंशिक रूप से सस्पेंड भी किया जा सकता है आई नीतियों और विनियमों को तैयार करते समय पॉलिसी धारकों के महत्व और उसके सर्वोत्तम हित को उजागर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है आईआरडीआई की महत्वपूर्ण भूमिकाओं में जानना अत्यंत आवश्यक है उनमें से कुछ हैं पॉलिसी धारकों के हितों की रक्षा करना देश की अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के लिए दीर्घकालिक धन उपलब्ध करवाना पॉलिसी धारकों के लाभ के लिए बीमा क्षेत्र की वृद्धि को बढ़ाने में मदद करना बीमा प्रदाताओं के निष्पक्ष व्यवहार वित्तीय सुदृढ़ता सत्य निष्ठा के उच्च मानकों को स्थापित करना लागू करना बढ़ावा देना और निगरानी करना एक शिकायत निवारण मंच स्थापित करके धोखाधड़ी और कदाचार को रोकना और यह सुनिश्चित करना कि पॉलिसी धारक के हित सुरक्षित रहें, बीमा उद्योग के स्वनियमन की अधिकतम मात्रा सुनिश्चित करना यानी कि सुनिश्चित करना यह सारे के सारे बीमा नियामक बोर्ड को बनाने के यह सबसे ज्यादा उसके लाभ उद्देश्य और एम्स हैं इसके अंदर अब हम बात करेंगे आईआरडीए अधिनियम 1999 के लाभ कि हमें उससे क्या लाभ प्राप्त हुआ आईआरडीए को बनाने से आईआरडी अधिनियम 1999 में बीमा उद्योग पॉलिसी धारकों और समग्र रूप से अर्थव्यवस्था के लिए कई लाभ हैं कुछ महत्वपूर्ण लाभों का हम यहां पर जिक्र कर सकते हैं जिनमें से सबसे पहले बात आती है प्रतिस्पर्धा में वृद्धि देर इज इंक्रीज कॉम्पिटिशन बिटवीन द कंपनीज इस अधिनियम के कारण बीमा कंपनियों के बीच प्रतिस्पर्धा बढ़ गई है जिसके परिणाम स्वरूप पॉलिसी धारकों के लिए बेहतर उत्पाद सेवाएं और मूल्य निर्धारित सामने आया है दूसरा इसका बेनिफिट है उपभोक्ता संरक्षण कंज्यूमर प्रोटेक्शन अधिनियम ने बीमा उद्योग के लिए नियामक ढांचे को मजबूत किया है जिससे पॉलिसी धारकों को बीमा कंपनियों द्वारा धोखाधड़ी प्रथाओं और अनुचित व्यवहार के खिलाफ अधिक सुरक्षा प्रदान की गई है तीसरा महत्वपूर्ण बेनिफिट आईआरडी की स्थापना का है वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देना मीन्स प्रोमोटिंग फाइनेंशियल इंक्लूजन तात्पर्य यह है कि अधिनियम ने बीमा उत्पादों को समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए सुलभ और किफायती बनाकर वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने में मदद की है आज इंश्योरेंस पॉलिसी लगभग हर कोई व्यक्ति अपनी अपनी सामर्थ्य अनुसार प्राप्त करने में कैपेबल है तो यह सारा का सारा जो है आईआरडीए के आने के बाद से उन्होंने इस चीज़ को समावेशित किया है कि वित्तीय समावेशन में सभी वर्ग चाहे वह आर्थिक रूप से कमजोर है या उच्च वर्ग है सभी वर्गों को इसको कवर किया जाए आई के अलग महत्वपूर्ण बेनिफिट में अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना है यानी कि बूस्टिंग द इकोनॉमी अधिनियम ने बीमा क्षेत्र के विकास में योगदान दिया है जिसने बदले में रोजगार के अवसर पैदा करने सरकार के लिए राजस्व उत्पन्न करने और देश के समग्र आर्थिक विकास में योगदान देने में मदद की है इस प्रकार के आई अधिनियम 1999 में बीमा उद्योग पॉलिसी धारकों और समग्र रूप से अर्थव्यवस्था के लिए कई लाभ प्रदान करता है तो यह कुछ इम्पोर्टेंट बेनिफिट्स हैं जिन्हें हमने डिस्कस किया कि आई के आने के बाद से बीमा क्षेत्र में काफ़ी तेजी से विकास हुआ और साथ के साथ जो बीमा कृत हैं जो इंश्योर्ड लोग हैं उनके हितों की रक्षा की गई कंज्यूमर फोरम्स के थ्रू और डिफरेंट टाइप की पॉलिसीज़ को लॉन्च करवाने में इसने हेल्प की कंपनी से ताकि हर समाज का हर वर्ग जो है वो बीमा पॉलिसी को अपनी क्षमता अनुसार प्राप्त कर सके और यदि उसके कोई दिशा निर्देशों को पालन नहीं करता है तो फिर समुचित कार्रवाई करने का अधिकार भी IRDA के पास में निहित है आइए अब IRDAI के कार्यों के बारे में बात करते हैं कि व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ IRDAI यह क्या कार्य करता है धारा 14 के तहत प्राधिकरण के कर्तव्यों शक्तियों और कार्यों में अन्य बातों के साथ साथ निम्नलिखित शामिल होंगे ए आवेदक को पंजीकरण का प्रमाण पत्र जारी करना यानी कि कोई भी इंश्योरेंस कंपनी अगर अप्लाई करती है कोई कंपनी अप्लाई करती है इंश्योरेंस सेक्टर के लिए तो उसको प्रमाण पत्र जारी करना उसको रजिस्ट्रेशन देना सर्टिफिकेशन देना नवीनीकरण करना उनका लाइसेंस रिन्यू करना संशोधित करना कोई अमेंडमेंट है तो चेंजेस करना वापस लेना इसके पास शक्ति है कि किसी बीमा कंपनी से उसका लाइसेंस वापस ले भी सकती है उसको निलंबित भी कर सकती है या टेंपरेरली सस्पेंशन या रद्द कर भी सकती है सेकंड पॉलिसी अवंडित करने पॉलिसी धारकों द्वारा नामांकन पॉलिसी के समर्पण मूल्य और बीमा अनुबंध के अन्य नियमों और शर्तों से संबंधित मामलों में पॉलिसी धारकों के हितों की सुरक्षा करना तो विभिन्न नियम और दिशा निर्देश IRDA बनाती है जिसके ऊपर चल के इंश्योरेंस कंपनीज किसी भी इंश्योरेंस पॉलिसी को बनाती है और उसका प्रीमियम उसी के हिसाब से तय करती है सी मध्यस्थ या बीमा मध्यस्थों यानी कि इंटरमीडिएट्स और एजेंटों के लिए अपेक्षित योग्यताएं आचार संहिता और व्यवहारिक प्रशिक्षण निर्दिष्ट करना एजेंट्स की मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या हो उस, उसके मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट और उसकी ट्रेनिंग के लिए प्रोविजंस बनाना इसके अलावा हानि मूल्यांकनकर्ताओं के लिए आचार संहिता निर्दिष्ट करना लॉ सर्वेयर्स एक्सेसर्स जो होते हैं उनके लिए आचार संहिता निर्दिष्ट करना कि उनका कामकाज किस प्रकार से होगा इसके अलावा बीमा व्यवसाय के संचालन में दक्षता को बढ़ावा देना कैसे और अच्छे तरीके से कंपनीज काम कर सकती हैं इस बारे में बढ़ावा देना एफ बीमा और पुनर्बीमा व्यवसाय से जुड़े पेशेवर संगठनों को बढ़ावा देना और विनियमित करना यानी कि इंश्योरेंस और री इंश्योरेंस सेक्टर से जुड़े हुए प्रोफेशनल लोगों को प्रोफेशनल कंपनीज को प्रमोट करना और उन्हें रेगुलेट करना जी इस अधिनियम के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए शुल्क या अन्य किसी प्रकार के शुल्क लगाना एच बीमाकर्ताओं बीमा मध्यस्थों और बीमा व्यवसाय से जुड़े अन्य संगठनों से जानकारी मांगना निरीक्षण करना पूछताछ और जांच करना आई बीमा अधिनियम 1938 की धारा चौंसठ यू के तहत टैरिफ सलाहकार समिति द्वारा नियंत्रित और विनियमित नहीं किए जाने वाले सामान्य बीमा व्यवसाय के संबंध में बीमाकर्ताओं द्वारा दी जाने वाली दरों लाभों नियमों और शंत्रों का नियंत्रण और विनियमन करना यह सारे के सारे कार्य जो है वह आई आई करती है इसके अलावा जे उस फॉर्म और तरीके को निर्दिष्ट करना जिसमें खाते की किताबें रखी जाएंगी और बीमाकर्ताओं और अन्य बीमा मध्यस्थों द्वारा खातों का विवरण प्रस्तुत किया जाएगा इसके अलावा के बीमा कंपनियों द्वारा धन के निवेश को विनियमित करना एल सॉल्वेंसी के मार्जिन के रख रखाव को विनियमित करना रेगुलेट करना सॉल्वेंसी प्रोसीजर को एम बीमाकर्ताओं और मध्यस्थों या बीमा मध्यस्थों के बीच विवादों का निर्णय करना जो बीमा कंपनी और बीमाकर्ताओं और बीमाकृत के बीच में कोई इसी प्रकार का विवाद है उन समस्याओं को सुलझाना उन विवादों का निपटारा करना एन टैरिफ सलाहकार समिति के कामकाज की निगरानी करना ओ खंड एफ में निर्दिष्ट पेशेवर संगठनों को बढ़ावा देने और विनिमित करने के लिए वित्त योजनाओं के लिए बीमाकर्ता की प्रीमियम आय का प्रतिशत निर्दिष्ट करना इसके अलावा पी ग्रामीण या सामाजिक क्षेत्र में बीमाकर्ता द्वारा किए जाने वाले जीवन बीमा व्यवसाय और सामान्य बीमा व्यवसाय का प्रतिशत निर्दिष्ट करना यानी कि बीमा कर्मियों का कितना प्रतिशत होगा इन सारी चीज़ों को भी आई तय करेगा क्यों ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग करना जो निर्धारित की जा सकती हैं इन कामों के अलावा भी अन्य शक्तियों के रूप में आई को ताकत दी गई है कि वह किसी भी प्रकार से बीमा उद्योग को संचालित करने के लिए रेगुलेट करने के लिए विनियमित करने के लिए दिशा निर्देश जारी कर सकता है और अपने हिसाब से किसी भी प्रकार की कार्रवाई अगर अपेक्षित है तो वह करने के लिए भी उसको हक मिला हुआ है तो यह सारी की सारी कुछ फंक्शनिंग थी कि आई आई किस प्रकार के काम करता है मुख्य रूप से यह सारी चीज़ों को अपने पास में कवर कर लेता है एक इंश्योरेंस कंपनी को लाइसेंस देना रिन्यू करना से लेके उसका लाइसेंस को वापस लेना सस्पेंड करना या रिवॉक करना इसके अलावा विभिन्न प्रकार के नियम बनाना पोलिसों की दिशा निर्देश तय करना एजेंट्स के लिए कमीशन और सारे काम तैयार करना और अपना टैरिफ सलाहकार समिति के कामकाज की भी निगरानी करना विभिन्न प्रकार की सारी एक्टिविटीज़ जो हैं वो इस स्वतंत्र निकाय में जो कि आई, आई के नाम से जाना जाता है इसके अंदर निहित हैं अब हम कुछ आई की शक्तियों के बारे में बात करते हैं कि वट आर द पावर्स ऑफ आई कितनी शक्तियाँ आई रखता है क्या वह सिर्फ कार्य ही करता है या तो उन कार्यों को करवाने के लिए कुछ शक्तियाँ भी उसके अंदर निहित हैं सबसे पहले हम बात करेंगे नियम बनाने की शक्ति पावर टू मेक रेगुलेशंस आई के पास पावर है कि वह सभी कंपनीज़ के लिए नियम बना सके प्राधिकरण बीमा सलाहकार समिति के परामर्श से अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के उद्देश्यों को एम्स एंड ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए इस अधिनियम और इसके तहत बनाए गए नियमों के अनुरूप नियम बना सकता है यानी कि दिशा निर्देश देने के लिए आई को छूट मिली हुई है इस आई एक्ट की जितने भी एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको पाने के लिए वह ऐसे काम कर सकता है ऐसे विनियमन निमित कि सभी या किसी भी मामले के लिए प्रावधान कर सकते हैं अर्थात प्राधिकरण की बैठकों का समय और स्थान और धारा दस की उपधारा एक के तहत व्यापार के लेन देन के लिए आवश्यक कोरम सहित ऐसी बैठकों में पालन की जाने वाली प्रक्रिया इसके अलावा बी धारा दस की उपधारा चार के तहत इसकी बैठकों में व्यापार का लेन देन सी धारा बारह की उपधारा दो के तहत प्राधिकरण के अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों की सेवा के नियम और अन्य शर्तें ये सभी कुछ आईआरडीए तय कर सकता है इसके अलावा डी शक्तियों और कार्य जो धारा तेईस की उपधारा दो के तहत सदस्यों की समितियों को सौंपे जा सकते हैं और ई कोई अन्य मामला जो विनियमों द्वारा निर्दिष्ट किया जाना आवश्यक है या किया जा सकता है या जिसके संबंध में विनियमों द्वारा प्रावधान किया जाना है या किया जा सकता है तो यह सारे इस तरह के महत्वपूर्ण शक्तियाँ हैं आई आर डी ए की कि वह उस सूचना के तहत इस अधिनियम के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दे सकता है नियम बना सकता है और उन नियमों के अनुरूप उचित कार्रवाई भी कर सकता है धारा 16 के अनुसार एक कोष का गठन किया जाएगा जिसे भारतीय बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण कोष के नाम से जाना जाएगा यानी कि आई एक्ट आई को एक ऐसे कोष की स्थापना करने के लिए भी कहता है जिसमें कुछ निधि को जमा किया जाता है इस निधि को इसमें जमा किया जाएगा प्राधिकरण को मिलने वाली सभी सरकारी अनुदान और शुल्क गवर्नमेंट से जितना भी इसको सब्सिडी मिलती है किसी प्रकार की ग्रांट मिलती है वो सभी इसके अंदर में जमा की जाएंगी प्राधिकरण को शासन द्वारा सहमत स्रोतों से प्राप्त धनराशि बीमाकर्ताओं को मिलने वाली न्यूनतम प्रीमियम आय का प्रतिशत यानी कि बीमा कंपनियों को कोई प्रीमियम अगर मिलता है तो उसके न्यूनतम प्रीमियम आय का एक प्रतिशत भी उस आई कोष के अंदर में जमा किया जाता है यानी कि कंपनियों की कमाई का एक हिस्सा भी इस कोष में जमा किया जाता है गठित निधि का उपयोग प्राधिकरण के सभी सदस्यों के वेतन भत्ते और पारिश्रमिक को पूरा करने और प्राधिकरण द्वारा अपने दैनिक कार्यों को पूरा करने के लिए किए गए खर्चों को देने के लिए किया जाता है इस मद में जो भी पैसे जमा होंगे उससे वेतन कर्मचारियों का वेतन दैनिक पारिश्रमिक या फिर इसके अलावा कोई भी जो खर्चे होंगे उस प्राधिकरण को मेंटेन करने के लिए वो सारे इससे भुगतान किए जा सकते हैं अधिनियम की धारा सत्रह के अनुसार प्राधिकरण को सरकार द्वारा निर्धारित दिशा निर्देशों के अनुसार खाते और वार्षिक विवरण रखना होगा प्राधिकरण के खातों और वार्षिक विवरणों का रख रखाव भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा किया जाएगा एनुअल अकाउंट्स और एनुअल ऑडिट रिपोर्ट्स होंगी इनकी जो इन्हें मेनटेन करनी है और इसका ऑडिट आदिट, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया कैग के थ्रू किया जाएगा यदि ऐसे खातों को बनाए रखने में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा कोई खर्च किया जाता है तो प्राधिकरण को नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को भुगतान करना होगा तो यानी सालाना ऑडिट करने में आईआरडीए की जब सालाना ऑडिट होगी और कैग के द्वारा की जाएगी सीएजी के द्वारा की जाएगी तो उसमें किसी भी प्रकार का जो खर्चा होगा वह भी आईआरडीए उनको भुगतान करेगा प्राधिकरण के खातों और वार्षिक विवरणों के रख के संबंध में भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा नियुक्त किसी भी व्यक्ति के पास नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के समान अधिकार और विशेष अधिकार होंगे यानी कि कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया अगर अपनी जगह किसी व्यक्ति को नामित करता है नॉमिनेट करता है कि यह मेरे स्थान पर काम करेगा तो उस समय वह सी की सभी शक्तियों का इस्तेमाल कर सकेगा इन अधिकारों में खातों की पुस्तकें वाउचर और अन्य प्रासंगिक दस्तावेजों और कागजात के उत्पादन की मांग करने का अधिकार शामिल है अर्थात जिस समय पर वह व्यक्ति या सी ए जी आई आर डी ए की ऑडिट करेगा वह तो सभी तरह के दस्तावेज चाहे वह अकाउंट्स के बिल हैं चाहे किसी भी प्रकार के डॉक्यूमेंट्स हैं मैं उनकी डिमांड कर सकता है भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक तथा उनके द्वारा नियुक्त अन्य व्यक्ति द्वारा तैयार की गई ऑडिट रिपोर्ट प्रतिवर्ष केंद्र सरकार को भेजी जाएगी सरकार बदले में इसे संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष प्रस्तुत करेगी आई की एनुअल जो ऑडिट होगी उसको सी प्रिपेयर करेगा और उसके बाद वह उसको भारत सरकार को भेजेगा और भारत सरकार उसको हर साल पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस के सामने रखेगी अधिनियम की धारा बाईस में प्रावधान है कि यदि प्राधिकरण या केंद्र सरकार द्वारा अधिनियम के प्रावधानों के तहत सद्भावना से कोई कार्रवाई की जाती है तो इनके खिलाफ कोई मुकदमा दायर नहीं किया जा सकता लेकिन यदि ऐसा कोई कदम उठाया जाता है जो अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप नहीं है इसके द्वारा कोई खर्च किया जाता है तो फिर और किसी व्यक्ति के ख़िलाफ़ है तो उस व्यक्ति को प्राधिकरण या केंद्र सरकार के ख़िलाफ़ मुकदमा दायर करने का अधिकार है अर्थात इस धारा बाईस में प्रावधान है कि अगर आई के अधिकारियों ने गुड फेथ में काम किया है किसी अच्छे सद्भावना के तहत काम किया है तो उनके खिलाफ कोई मुकदमा नहीं चलाया जाएगा लेकिन अगर उन्होंने किसी भी दस्तावेज को या किसी भी प्रकार के दिशा निर्देशों का गलत पालन किया है तो उनके खिलाफ मुकदमा दायर किया जा सकता है संसद के समक्ष रखे जाने वाले नियम और विनियमन इस अधिनियम के तहत बनाए गए प्रत्येक नियम और प्रत्येक विनियमन को इसके बनने के बाद जितनी जल्दी हो सके संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष जब सत्र चल रहा हो कुल तीस दिनों की अवधि के लिए रखा जाएगा जो एक सत्र में शामिल हो सकता है या दो या अधिक क्रमिक सत्रों में जो कॉन्टीन्यूशन में ब्रेक के बाद एक के बाद दूसरा जो सेशन आता है और यदि सत्र के तुरंत बाद या उपरोक्त क्रमिक सत्रों की समाप्ति से पहले दोनों सदन इस बात पर सहमत होते हैं कि नियम या विनियमन नहीं बनाना चाहिए तो नियम या विनियमन उसके बाद केवल ऐसे संशोधित रूप में प्रभावी होंगे या कोई प्रभाव नहीं डालेंगे कि जिस रूप में मामला हो सकता है हालांकि ऐसा कोई भी संशोधन या रद्दीकरण एन्युलमेंट उस नियम या विनियम के तहत पहले से की गई किसी भी चीज़ की वैधता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना होगा अर्थात जो पहले से नियम बने हुए हैं या बाद में जो बनने जा रहे हैं वो बाद के बने वाले जो मॉडिफिकेशंस हैं पहले बने हुए रूल्स के ऊपर में कोई इफेक्ट नहीं क्रिएट करेंगे इसके साथ ही अब हम केंद्र सरकार की शक्तियों के बारे में जानते हैं कि आई से संबंधित केंद्र सरकार के पास क्या क्या शक्तियाँ निहित हैं आई अधिनियम उन्नीस की धारा अठारह केंद्र सरकार के कर्तव्यों शक्तियों और कार्यों को निर्धारित करती है यानी कि जिस समय केंद्र सरकार ने यह एक्ट बनाया सेंट्रल एक्ट बनाया उस समय कुछ शक्तियाँ केंद्र सरकार को दी गई कुछ कर्तव्यों का निर्वाहन करने की जिम्मेदारी केंद्र सरकार को दी गई और केंद्र सरकार के भी कुछ कार्य इससे संबंधित निर्धारित किए गए इस अधिनियम के प्रावधानों और उस समय लागू किसी भी अन्य कानून के अधीन और पुनर्वीमा व्यवसाय की वृद्धि प्राधिकरण का विनियमन प्रचार और व्यवस्थित सुनिश्चित करने का कर्तव्य होगा कोई प्रश्न नीतिगत है या नहीं केंद्र सरकार का निर्णय अंतिम होगा तो जितना भी पॉलिसी से रिलेटेड डिसीजन है चाहे आई ने बनाई है चाहे किसी और तरीके से किसी प्रकार का विवाद है सेंट्रल गवर्नमेंट की जो पावर है वो फाइनल है इसके बारे में जो भी निर्णय वो लेंगे उस पॉलिसी रिलेटेड वो फाइनल माना जाएगा केंद्र सरकार यदि उचित समझे तो समय समय पर तकनीकी और प्रशासनिक मुद्दों से संबंधित मामलों पर प्राधिकरण को निर्देश जारी कर सकती है सेंट्रल गवर्नमेंट समय समय पर करती भी आई है और कर भी सकती है समय समय पर आई को और विभिन्न कंपनीज को दिशा निर्देश जारी कर सकती है ऐसा प्रावधान सेक्शन 18 के अंदर में दिया गया है केंद्र सरकार की शक्तियों के बारे में दिया गया है कि यदि समय समय पर किसी भी तरह की टेक्निकल या एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे कोई भी संबंधित मामले हैं उनसे रिलेटेड कोई मामले हैं तो वह एक दिशा निर्देश जारी कर सकती है वह एक नीति का निर्माण कर सकती है केंद्र सरकार निर्दिष्ट अवधि के लिए स्पेसिफाइड टाइम के लिए प्राधिकरण और को सुपरसीड कर सकती है और प्राधिकरण को बीमा उद्योग के प्रचार और विकास के लिए प्राधिकरण द्वारा प्रस्तावित या मौजूदा कार्यक्रम के संबंध में ऐसे रिटर्न विवरण और अन्य विवरण प्रस्तुत करने का निर्देश दे सकती है और इस अधिनियम के प्रावधानों को क्रियान्वित इसके लिए नियम बना सकती है तो केंद्र सरकार के पास असीमित शक्तियां हैं वे चाहे तो एक समय के लिए आई को भी सुपरसीड कर सकती है उससे ज़्यादा शक्तियां रखती है उसके पावर्स को सुपरसीड कर सकती है और बीमा उद्योग के लिए नीतियां का निर्धारण कर सकती है एक तरह से वे आई की जगह पर भी काम करके और अपनी सारी शक्तियों का इस्तेमाल कर सकती है जो उसने आई को काम करने के लिए दी हुई हैं और उससे किसी भी प्रकार के अन्य विवरण को मांग सकती है और दिशा निर्देश भी दे सकती है यानी कि केंद्र सरकार के द्वारा जो भी दिशा निर्देश दिए जाएंगे वह आई को उसकी पालना करनी होगी कितने प्रकार की जो इंश्योरेंस पॉलिसीज हैं वो आई के द्वारा निर्देशित हैं इस बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं आई द्वारा नियंत्रित बीमा पॉलिसियों के प्रकार वट आर द टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस पॉलिसीज विच आर कंट्रोल्ड बाई आई आई जैसा कि हम जानते हैं बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण भारतीय आई भारत में बीमा क्षेत्र को विनियमित और प्रतिबिंधित करने के लिए ज़िम्मेदार हैं इसलिए यह आमतौर पर जीवन और गैर जीवन या सामान्य बीमा डोमेन की देखभाल करता है जिसे अब बीमा के प्रकारों में वर्गीकृत किया जा सकता है यानी कि आई चाहे वह लाइफ इंश्योरेंस है चाहे वो नॉन लाइफ इंश्योरेंस है चाहे री इंश्योरेंस सेक्टर है जितनी भी प्रकार की कंपनियां हैं प्राइवेट हैं या गवर्नमेंट है लाइफ के सेक्टर में है नॉन लाइफ के सेक्टर में है या री इंश्योरेंस में है, वे सभी की सभी आई, आई के द्वारा कंट्रोल्ड गाइडेड और मैनेज रहती हैं और इनके बेसिस पर बीमा के प्रकारों को वर्गीकृत किया जा सकता है जैसे कि कुछ बीमा पॉलिसियों के बारे में हम अगर जिक्र करें तो जीवन बीमा पॉलिसियाँ विभिन्न प्रकार की जीवन बीमा पॉलिसियाँ होती हैं जो आई के द्वारा कंट्रोल्ड रहती हैं जैसे कि टर्म प्लान यूनिप यूनिप यानी कि यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान एंडोमेंट प्लान मनी बैक प्लान या फिर रिटायरमेंट प्लान ये कुछ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज़ हैं जो कि उनके द्वारा आई द्वारा शासित रहती हैं कुछ सामान्य बीमा पॉलिसी हैं यानी कि जनरल इंश्योरेंस पॉलिसीज़ हैं जो कि आई के द्वारा शासित हैं जिस तरह से स्वास्थ्य बीमा हेल्थ इंश्योरेंस मोटर या गाड़ी बीमा मोटर या व्हीकल इंश्योरेंस यात्रा बीमा यानी कि ट्रेवल इंश्योरेंस घर बीमा होम इंश्योरेंस गजेट्स बीमा गैजट्स इंश्योरेंस इसके अलावा संपत्ति बीमा यानी कि प्रॉपर्टी इंश्योरेंस तो ये कुछ प्रकार की विभिन्न पॉलिसीज़ हैं जो कि आईआरडीए के द्वारा कंट्रोल्ड है मुख्य रूप से हम कह सकते हैं कि सामान्य रूप से जीवन बीमा पॉलिसीज़ गैर जीवन बीमा पॉलिसीज़ या री इंश्योरेंस पुनर् बीमा इंश्योरेंस जो पॉलिसीज हैं वे सारी की सारी आई के द्वारा शासित कंट्रोल्ड रहती हैं अब हम आई के इफ़ेक्ट्स की बात करते हैं कि भारतीय बीमा नियामक विकास प्राधिकरण का क्या प्रभाव है किस तरह से ये अपना प्रभाव डालता है बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण के प्रभाव हैं पहला बीमा क्षेत्र के विनियमन पर प्रभाव डालना इफेक्ट्स ओवर रेगुलेशन ऑफ इंश्योरेंस सेक्टर भारतीय बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण का भारत के बीमा क्षेत्र पर बहुत बड़ा प्रभाव है प्राधिकरण को यह सुनिश्चित करने के लिए बीमा क्षेत्र पर कड़ी निगरानी रखनी होती है कि पॉलिसी धारकों के हित बरकरार रहें यह बीमा क्षेत्र की प्रत्येक गतिविधि को नियंत्रित करता है पॉलिसी धारकों के हितों की सुरक्षा पर प्रभाव आई का पॉलिसी धारकों के जो हित हैं उन पर क्या इफेक्ट आता है अगर वह अपने कोई नियम बनाता है तो इस प्राधिकरण का मुख्य उद्देश्य पॉलिसी धारकों के हितों की रक्षा करना है और यह अपने उद्देश्य पर कायम भी है इसकी फर्स्ट प्रायोरिटी बीमा धारकों के लिए यानी कि पॉलिसी जो होल्डर्स हैं उनके लिए यह काम करता है बीमा के प्रति जागरूकता पर प्रभाव क्या यह जागरूक करता है नहीं करता है या सुनिश्चित करने के लिए कि पॉलिसी धारकों के हित सुरक्षित हैं। आई यह सुनिश्चित करता है कि पॉलिसी धारक प्राधिकरण की सभी नवीनतम नीतियों और योजनाओं से वे अवगत हों जिनसे उन्हें लाभ मिलता होगा तो यह समय समय पर पॉलिसी धारकों को या आम जनता को जागरूक करने के लिए भी काम करता है या किसी भी तरह की कोई नई पॉलिसी आती है या उसके अंदर कोई चेंजेस होते हैं तो यह सुचारू रूप से पॉलिसी धारकों को बताता है कि उन्हें एक तरह से जागरूक बनाने की कोशिश करता है कि आपके हित में है या नहीं है बीमा बाजार पर प्रभाव आर द इफेक्ट ओवर इंश्योरेंस मार्केट बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण के प्रभाव के कारण बाजार में एक बड़ा बदलाव आया है चाहे वह विपणन बीमा उत्पादों प्रतियोगिताओं और ग्राहक जागरूकता के संबंध में हो बीमा उत्पाद के विकास पर प्रभाव इफेक्ट ओवर डेवलपमेंट ऑफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट बीमा बाजार की वृद्धि सुनिश्चित करने के लिए आई को नए तरीके पेश करने होंगे जो इसकी दक्षता बढ़ाने में मदद करेंगे यूनिट लिंक्ड बीमा योजनाओं का विकास बीमा क्षेत्र के निजीकरण का परिणाम है जो भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण द्वारा उठाया गया एक कदम है बीमा क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा पर आईआरडीए का क्या प्रभाव है प्रारंभ में जब निजीकरण नहीं था तो प्रतिस्पर्धा भी नहीं थी बीमा क्षेत्र की विभिन्न कंपनियों को आपस में प्रतिस्पर्धा करनी पड़ी लेकिन बीमा क्षेत्र में निजीकरण के आने के बाद प्रतिस्पर्धा बढ़ गई और अब यह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर है इससे प्रतिस्पर्धा का स्तर बढ़ा है यानी कि आई की स्थापना के बाद से इंश्योरेंस कंपनीज के बीच में कॉम्पिटिशन बढ़ा है इसलिए इसका कंपटीशन के ऊपर में काफ़ी इफेक्ट है सरकारी उत्तरदायित्व पर प्रभाव गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज आई आर की क्या हैं उस पर उसका क्या प्रभाव है बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण के कारण ही सरकार बीमा क्षेत्र में एक रूपता जवाबदेही और जिम्मेदारी सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है यानी कि आई सरकार की मदद करता है कि किस तरह से बीमा क्षेत्र में एक रूपता आए किस तरह से उनकी जवाबदेही तय की जाए और किस तरह से जिम्मेदारी सुनिश्चित की जाए बैंकों और डाकघरों पर क्या प्रभाव है आई का बीमा के परिणाम स्वरूप किसी भी प्रकार की अनिश्चितताओं या जोखिमों से सुरक्षा मिलती है इसलिए बीमा क्षेत्र बचत और निवेश के लिए एक लोकप्रिय माध्यम बन गया है इस प्रकार बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण ने बैंकों और डाकघरों से बीमा उद्योग में धन के प्रवाह को मोड़ने में मदद की है या तो हम अपना पैसा बैंक में जमा करवाते थे या डाकघरों में करवाते थे अब काफ़ी हद तक बचत के लिए लोग पॉलिसीज में भी इन्वेस्टमेंट करते हैं बैंकों और डाकघरों पर प्रभाव बीमा के परिणाम स्वरूप किसी भी प्रकार की अनिश्चितताओं या जोखिमों से सुरक्षा मिलती है इसलिए बीमा क्षेत्र बचत और निवेश के लिए एक लोकप्रिय माध्यम बन गया है बैंक्स आपको किसी भी प्रकार से कोई अनिश्चितता या जोखिमों से सुरक्षित नहीं करता था लेकिन यहाँ पॉलिसी के बाद आप अपने आप को सुरक्षित भी महसूस कर सकते हैं व्यक्ति के जीवन पर प्रभाव अब बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण द्वारा पैदा की गई जागरूकता और इसके द्वारा शुरू की गई नीतियों के कारण व्यक्ति के जीवन पर काफ़ी प्रभाव पड़ा है शेयर बाजार पर क्या प्रभाव है जब से बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण ने यूनियन लिंक्ड बीमा योजनाएं पेश की हैं अधिक से अधिक लोग इस योजना को आजमा रहे हैं इसलिए बीमा की मदद से अब कंपनियों के लिए उत्पाद अधिक आसानी से जुटाए जा सकते हैं भारत की अर्थव्यवस्था पर आईआरडीआई का क्या प्रभाव है आईआरडीआई का देश के आर्थिक विकास पर प्रभाव पड़ता है क्योंकि निवेशकों या व्यक्तियों द्वारा विभिन्न प्रकार के बीमा उत्पादों में निवेश किए गए धन ने किसी देश के धन को गैर आर्थिक गतिविधि के लिए आर्थिक गतिविधि में प्रवाहित किया है और इसे उपलब्ध करवाया है थोड़ा सा इंश्योरेंस और बर्जमन बारे के में जानने की कोशिश करते हैं कि यह क्या है बीमा लोकपाल बीमा पॉलिसियों से संबंधित शिकायतों का लागत प्रभावी निष्पक्ष और कुशल निपटान सुनिश्चित करने के लिए भारत सरकार की एक पहल है इसलिए यदि किसी पॉलिसी धारक को किसी समस्या का सामना करना पड़ता है तो वे अपने अधिकार क्षेत्र में आने वाले कार्यालय में शून्य लागत पर अपनी शिकायतें दर्ज कर सकते हैं शिकायत दर्ज होने के बाद लोकपाल का कार्यालय उसके लिए सुनवाई की व्यवस्था करता है सुनवाई में बीमाकर्ता और दावेदार के प्रतिनिधियों को भाग लेना होता है आमतौर पर ओमबर्जमैन सुनवाई के तीन महीने के भीतर अवार्ड घोषित कर देता है लोकपाल को किसी भी व्यक्ति से जिसे किसी भी बीमा कंपनी के खिलाफ कोई शिकायत है बीमा की व्यक्तिगत शर्तों के अनुसार शिकायत प्राप्त करने और दर्ज करने का अधिकार है हम उससे कब संपर्क कर सकते हैं जब बीमा कंपनी ने पूर्व में आपकी शिकायत को अस्वीकार कर दिया है या आप बीमा कंपनी से संतुष्ट नहीं हैं या आपके द्वारा किसी भी तरह की एप्लीकेशन के दिए के देने के बाद तीस दिनों तक शिकायत का कोई जवाब नहीं दिया गया है तो इन सारी चीज़ों को डिस्कस करने के बाद हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम को वर्ष 1999 में संसद द्वारा पारित किया गया आई के रूप में इसको जाना जाता है और आई आर डी ए आई के लिए इसमें 2015 में संशोधन किया गया और इसमें ऑफ इंडिया वर्ड को यूज किया गया भारतीय बीमा व्यानम और विकास प्राधिकरण या आई आर डी आई भारत में एक ऑटोनोमस बॉडी है स्वायत्त निकाय है आई आर डी आई का महत्वपूर्ण उद्देश्य पॉलिसी धारकों के लिए उचित व्यवहार सुनिश्चित करना और इनके हितों की रक्षा करना बीमा उद्योग के तीव्र और व्यवस्थित विस्तार और यह सुनिश्चित करना कि उद्योग विवेकपूर्ण विनिमय नियमों के अनुसार स्वनियमन के उचित स्तर के साथ संचालित हों वैध दावों का त्वरित समाधान सुनिश्चित करना धोखाधड़ी और अन्य गलत कामों को रोकना और कुशल शिकायत निवारण तंत्र स्थापित करना और बाजार सहभागियों की वित्तीय सुदृढ़ता के लिए सख्त आवश्यकताओं को लागू करने के लिए एक ठोस प्रबंधन सूचन प्रणाली बनाना बीमा सलाहकार समिति की स्थापना अधिनियम में एक समिति की स्थापना का प्रावधान है जिसे बीमा सलाहकार समिति के रूप में जाना जाता है आई अधिनियम की धारा अठारह केंद्र सरकार के कर्तव्यों शक्तियों और कार्यों को निर्धारित करती है बीमा लोकपाल बीमा पॉलिसियों से संबंधित शिकायतों का लागत प्रभावी निष्पक्ष और कुशल निपटान सुनिश्चित करने के लिए भारत सरकार की एक पहल है उम्मीद है आपको आई के सारे कंसेप्ट क्लियर होंगे उसके कार्य उसकी शक्ति और केंद्र सरकार के शक्तियों के बारे में हमें इस लेक्चर के थ्रू मालूम लगा होगा धन्यवाद thank you Hello and welcome to this piece of literary snippet. We usually know William Shakespeare as the most revered figure in the history of English literature. But we often tend to forget that he has also been one of the most hated figures in literature. And here I am not talking only about those boys and girls who have to memorize long sections from Macbeth or King Lear or Julius Caesar uh, before they can go and sit for their school and, or college exams. But I am also talking about people who are themselves quite famous authors. Tolstoy, for instance, considered the writings of Shakespeare to be, and I quote, crude. Immoral, vulgar, and senseless. George Bernard Shaw absolutely loathed Shakespeare as he did Homer. But perhaps no other criticism about Shakespeare is more damaging than the one which says that Shakespeare is a marvelous storyteller, provided someone has told him the story earlier. Now, this piece of criticism is particularly damaging because it is true. None of Shakespeare's plays contain any original story whatsoever. They are all written using pre existing materials, pre existing stories. Now, does that diminish the stature of Shakespeare as a dramatist? Well, I'll leave that for you to decide. See you in the next episode of Literary Snippets.